हमारे शरीर में चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है जानते हैं इस विषय के ऊपर। सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में जब चित्त अर्थात पुरुष के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है तब चित्त की उत्पत्ति होती। मतलब पुरुष के संपर्क से बुद्धि का चेतन होना ही चित्त का बनना हो। चेतन होते ही यह बुद्धि अर्थात चित्त कार्यों को संपादित करना शुरू कर देती है। योग दर्शन में चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं न्याय दर्शन में अंतःकरण के लिए मन शब्द को अधिक प्रयोग किया गया है। अद्वैत वेदांत में मन बुद्धि अहंकार और चित्त को अंतःकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। सांख्य मन बुद्धि एवं अहंकार को ही अंतःकरण मानता है। वहीं योग दर्शन मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त इन चारों के समूहों को ही अंतःकरण की संज्ञा देता है। इन चारों तत्वों के अपने कार्य विशेष हैं जिनके आधार पर मनुष्य के जीवन की क्रियाएं संपादित होती हैं। जैसे कि मन का कार्य संशय करना अर्थात जब मनुष्य की किसी कार्य में संशय जब मनुष्य को किसी कार्य में संशय होने लगे यानी कि शंका होने लगे तब यह समझ लेना चाहिए कि यह संशय का जो भाव है मन के द्वारा उत्पन्न होता है। और यदि मनुष्य द्वारा किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि यह कार्य बुद्धि के द्वारा किया गया है। यदि मनुष्य किसी विषय को लेकर अभिमान प्रदर्शित कर रहा है अर्थात यह मेरा है वह उसका है इस प्रकार का भाव रखता है तब यह समझना चाहिए कि वह अहंकार में है। और यदि समरण संबंधी क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जा रही है तब यह समझना चाहिए कि यह कार्य चित्त के द्वारा हो रहा है। भूतकाल में किए गए कार्यों के संस्कारों का संग्रहण जो होता है वह हमारे चित्त में ही होता है और समय समय के अनुसार यह बदलता हुआ हमारे सामने आता है और प्रस्तुत हो जाता है। और हम कहते हैं कि यह हमारे द्वारा किया गया कार्य नहीं था फिर यह प्रकट क्यों हो गया। असल में हम कहीं ना कहीं उस चीजों को प्रकट उस समय कर रहे होते हैं लेकिन वह पूरा नहीं होता है। वही जो बातें हैं वह संस्कार के रूप में इकट्ठा हो जाता है हमारे चित्त। तो ये थे चित्त के कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे चित्त में क्या चल रहा है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।